तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम स्टोर पे, तो चलते अंदर और देखते क्या क्या काम कराना है। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे रूफ टॉप टेंट, तो मेरे को टेंट लगवाना है ना ऊपर थार के, तो वो टेंट देखते हैं। तो यहाँ पे ये टेंट ये पूरा थार के ऊपर लग जाएगा, तो अभी ये खोल के दिखाएंगे। तो ये खुल गया, ओके, तो पूरा वाटर प्रूफ है ये, तो अभी खोल के देखते हैं अंदर कितना स्पेस है इसमें। पाँच जने लगे, पूरी फैमिली आ जाएगी। ओरियो भी आ जाए। बहुत जगह है भाई, बहुत जगह है, बहुत ज्यादा जगह है, मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपन। तो गाइस टेंट तो यही वाला फाइनल करते हैं, बाकी अब टायर देखते हैं। चलो भाई टेंट तो काफी मस्त लग रहा था, काफी बड़ा है, मतलब उसमें तो पूरी फैमिली आ जाएंगे, चार पांच जने तो आ जाएंगे आराम से, बहुत बड़ा टेंट है। तो यहाँ पे खड़ी अपनी थार, इसके ऊपर पूरा टेंट आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टेंट आएगा और वो खुल जाएगा, फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे मस्त, मतलब कहीं भी जंगल उंगल में। देखो अभी तो ऐसी लग रही है ना, पूरी चेंज हो जाएगी, इसे टायर भी चेंज आएंगे, ऊपर टेंट भी लग जाएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें करानी है इसमें। तो गाइस हमारे पास तीन टायर हैं, इनमें से चूज़ करना है हमको, और ये ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, देखो ये मोटे मोटे होते हैं ना ये। तो गाइस मैं ये वाला टायर लगवा रहा हूँ, ये वाला मुझे सही लग रहा है, देखो मतलब ऑफ रोडिंग के लिए सही है, मतलब बर्फ़ वर्फ में ले जाएंगे ना इसको, और लद्दाख वद्दाख सब जगह, तो ऑफ रोडिंग के लिए ये वाला टायर बेस्ट है। और मैं एलॉयज भी चेंज कराएंगे हम, मतलब यहाँ सारा थार का सामान पड़ा हुआ है, ये थार का बैक बम्पर है, ये फ्रंट बम्पर है, फ्रंट बम्पर तो मेरा लगा हुआ है यही वाला, बाकी टायर इनमें से मैंने चूज़ किया है ये वाला टायर चूज़ किया है। तो ये डब्बे हैं यहाँ पे तेल भराने वाले, हाँ तो ये डब्बे यहाँ पे, इनमें तेल रख सकते हैं हम, पेट्रोल वगैरह, तो इनमें से एक डब्बा लूँगा जिसमें तेल मतलब कैरी करेंगे साथ में। वो फ्रिज है, तो अपनी थार के लिए फ्रिज भी ले सकते हैं, कैंपिंग में फ्रिज भी काम आएगा, सब्जी वब्जी रखने के लिए है ना, कुछ सामान रखने के लिए फ्रिज। तो देखते हैं क्या पता मैं फ्रिज भी ले लूँ, मतलब छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज है ये, बाकी भाई थार के लिए ये भी है देखो यहाँ पे, ये मतलब पीछे रखते हैं, पीछे हैंड लगवाएं, इधर लगवाएं इधर साइड देख लो भाई, काम आता है पर बहुत, इसमें कप होल्डर्स है, अरे हाँ चार्जर कप भी आ जाएंगे इसमें, चार्जर वाइजर भी इसमें, और थार के नीचे पूरी किट लगेगी ये वाली। गई जैसे हम नदी वदी में जाते हैं ना, तो नीचे मतलब बॉडी कवर रहेगी, पूरी बॉडी के नीचे ये लग जाएगा, तो मतलब कुछ पत्थर वत्थर लगेंगे, जैसे अभी हमारी टूट गई थी ना, पूरी थार के नीचे लग जाएगा देखो कवर, और ये पूरा लोहे का है, ये देखो पूरा लोहे का है, और ये भी लग जाएगा थार को बचाने के लिए ऑफ रोडिंग में नदी वदी के लिए, तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जो प्रैक्टिकली काम आएंगे वो सब चीज़ें करवा रहा हूँ बस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लग रहा है, मुझे टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है भाई, मतलब बेसिकली थार हमारी अटकेगी नहीं कहीं पे नदी वदी में, जैसे अटक जाती है ना कहीं पे टूट जाती है, तो अगर नीचे से कुछ टूट जाएगा फिर चलेगी नहीं थार, फिर क्या फ़ायदा रूफ टॉप टेंट, फिर मैं जो कितनी मॉडिफिकेशन करूँ कोई फायदा ही नहीं अगर गाड़ी नहीं चल रही तो। और गाइस एक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेट्रोल खत्म हो जाता है थार का ना, पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो अगर पेट्रोल एक्स्ट्रा होगा तभी थार चलेगी, मतलब अच्छे सोच समझ के हम ले रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हमारा यूज़ होगा वही। और यहाँ बार लाइट भी है जो कि ऊपर लगती है थार के ऊपर, वैसे लुक के लिए तो अच्छी लगती है। वैसे हमारी थार में ना बहुत खतरनाक लाइटिंग है, तो बार लाइट लगा के मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा हो जाएगी वो, लेकिन मुझे लग रहा है कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी लाइट है, तो बार लाइट तो सिर्फ लुक के लिए होती है, तो लुक के लिए मतलब 50-50 चांस है, लगवा भी सकता हूँ नहीं भी लगवा सकता। तो गाइस ये बहुत काम की चीज़ लग रही है मुझे, जो कि एक स्टोरेज वाला बैग, इसके अंदर सारे टूल्स वगैरह रख लेंगे अपने। तो गाइस फाइनली सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन बहुत खर्चा आ रहा है। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा टेंट थार के ऊपर, इस देखो ये रेड थार है, ये कोई और थार है, तो अपनी रेड थार इस तरह से होगी, और इसके ऊपर इस तरह से टेंट लगेगा, यहाँ पे सीढ़ी इस तरह से आएगी, तो हाँ मतलब कहीं भी खड़ी कर सकते हैं अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी थार खड़ी है, देखो रेड वाली खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, मतलब पूरी उधर से उधर तक पूरी थार ही थार खड़ी है यहाँ पे देखो, तो हमारे भी यहीं पे काम होगा पूरा, अभी इस थार का चल रहा है, फिर इसका होगा, फिर उसका, और हमारी तो बाहर ही खड़ी है, अपनी थार तो यहाँ खड़ी है और बाहर हो रही बारिश। तो गाइस जितना भी मैं काम करा रहा हूँ उसको होने में लगेगा पूरा एक हफ्ता, तो आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे तक हमको मिलेगी भाई, पूरे 7 दिन लगेंगे, क्योंकि टेंट में लगेंगे 3 दिन, और बाकी और काम उनमें एक दो दिन लगेंगे। तो हाँ अब हम नेक्स्ट वीक ही आएंगे, अब हम जा रहे हैं सीधा हल्द्वानी यहाँ से, तो हमने कैब बुक कर दी, तो कैब में चलते हैं हल्द्वानी, और मैं बेसिकली इसी काम के लिए आया था बेसिकली। गाइस थार की डिमांड बहुत है, मतलब मैं देख रहा हूँ सारे मॉडिफिकेशन कराने यहीं पे आ रखे हैं, मतलब सारे, मतलब कोई क्या लगवा रहा है, कोई क्या लगवा रहा है, मैं तो प्रैक्टिकली जो मुझे लग रहा है मैं वो लगवा रहा हूँ, बाकी लोग तो भाई क्या खतरनाक मॉडिफिकेशन कराने हैं भाई। तो गाइस हमारे थार को चेक कर रहे हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है ना। गाइस लास्ट टाइम देख लो चेंज होने वाली हमारी थार, स्क्रैच तो है, जंगल में जाती रहती ना, नहीं सब वो तो मुझे पता है, हाँ वो मुझे पता है स्क्रैच है, हाँ आगे हैं सब हैं, पता है झाड़ियों में जाता हूँ ना मैं। ये कह रहे गाड़ी में स्क्रैच है वो, तो मुझे पता है स्क्रैच। तो आज के इस व्लॉग में आपने देखा मैं थार दे के आ गया हूँ, जो कि हफ्ते बाद मिलेगी, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, जब भी काम हो जाएगा ना, तो हफ्ते बाद जाएंगे वापस दिल्ली और थार लेके आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।